हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के बारे में पढ़ाऊंगा। आपको इसमें समझाऊंगा केमिकल इक्वेशन क्या है। इस वीडियो में आप समझेंगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। और नेक्स्ट वीडियो में आप ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है आप इस वीडियो में सीखेंगे, और अगली वीडियो में आप सीखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है इसका डिफिनीशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस पार्ट लेते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो आपको बॉक्स में दिख रहा है, केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। जो केमिकल रिएक्शन हमारा बनता है उसको हम लोग फिजिकली दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उससे कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, अगर फिर से उसको रिएक्टेंट में वापस लाना है तो फिजिकल मेथड से नहीं ला सकते हैं हम लोग। उसको फिर से अगर वापस लाना है उसी मेथड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। आपको समझ में आया, चलिए चलते हैं एक एग्जाम्पल में। केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन में अगर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा, वाटर। जो हाइड्रोजन है हमारा एक सब्सटेंस है और ऑक्सीजन भी हमारा एक सब्सटेंस है, इन दोनों सब्सटेंस से मिलकर एक नया सब्सटेंस क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। अब जो ये हाइड्रोजन है ये क्या है, ये एक गैस है। तो हम इसके बगल में ये जी, इसे छोटे में जी में लिखते हैं, तो इसको जो जी में लिखा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल स्टेट। यानी हाइड्रोजन का फिजिकल स्टेट क्या है, जी यानी गैस। ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है। वाटर क्या है, लिक्विड के शेप में है। फिजिकल स्टेट कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल स्टेट चार होते हैं। एक होता है गैस, सॉलिड, लिक्विड और एक्वस। ये एक्वस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप इसमें समझ लीजिए, अभी आपको फिजिकल स्टेट के बारे में बस ऐसे ही बताया जा रहा था, अभी आपको फिजिकल स्टेट के बारे में पूरा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि इसमें अगर एक से एक या एक से अधिक सब्सटेंस पार्ट लेकर रिएक्शन कर कर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है जैसे चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये गैस है और ये भी गैस है, गैस गैस मिलकर क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया, यानी इसके स्टेट में चेंज हो गया। चेंज इन कलर, उससे कलर में भी चेंज होता है। दो ऐसे चीज़ लेते हैं, गैसेस लेते हैं जिसका कलर कुछ और होता है, जैसे रिएक्शन करने के बाद उसका कलर कुछ और बन जाता है, यानी उसके कलर में भी चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर, जब हम लोग रिएक्शन करते हैं किसी भी सब्सटेंस का और जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसके टेम्परेचर में भी अलग अलग दबाव होता है। जैसे हम कोई टेम्परेचर लेते हैं, कोई सब्सटेंस लेते हैं, उसका टेम्परेचर कुछ और है, और जब हम रिएक्शन कराते देते हैं तो उस जो सब्सटेंस नया सब्सटेंस बनता है उसका टेम्परेचर कुछ और होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग रिएक्शन करने के बाद उसमें से गैस बाहर निकलती है, जैसे एरो पैसे दिखाते हैं उस तरीके से गैस बाहर निकलती है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ न्यू सब्सटेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और उसके बाद जब हम लोग केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन को करने के बाद दो या दो सारे सब्सटेंस मिलते हैं, नया सब्सटेंस बना लेते हैं। अगर वो सब्सटेंस जो नया बना हुआ है, न्यू फॉर्म में आया हुआ है, उसको वापस पुराने फॉर्म में लाना है तो उसको फिजिकली मेथड से नहीं ला सकते हैं, उसको हम लोग केवल ला सकते हैं केमिकल मेथड से, यानी केमिकल रिएक्शन कराकर उसमें किसी न किसी केमिकल का रिएक्शन कराएंगे जिससे वो पुराने फॉर्म में वापस आ जाए। तो मैंने एग्जांपल लेके बता दिया था आपको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग लेते हैं तो
तो क्या बनता है उससे? वाटर बनता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों आपको बता दूँ कि आपको अगर ये चैप्टर समझना है तो आपको क्लास 9th का चैप्टर 3 आपको अच्छे से एक बार रिपीट कर लेना है। आप उसको अच्छे से एक बार रिपीट कर लेंगे तो आपको इस समझ चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब पढ़ाया गया समझ में आएगा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि डेली लाइफ एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन का डेली लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है, और आप जानते भी हैं क्या होता है। जैसे आप लोग डाइजेशन ऑफ फूड, फूड खाना खाते हैं उसको डाइजेशन होता है, तो इस सब के बारे में बताया जाएगा। केमिकल रिएक्शंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है, इसके बारे में बताया जाएगा आपको। तो थोड़ा सा अभी आप जानते रहिए। जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये जो इधर वाला जो एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है सब्सटेंस, उसको ही रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के राइट साइड में जो सब्सटेंस हमारा बन के आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यानी मैंने अभी बताया था, बोल भी रहा था अभी कुछ देर पहले, कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी जो दो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन कर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए, आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।